मेरे को मालूम है आप, अभी मैं एक दिन भी किचन में जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी सिस्टर को फोन करके बोलेंगे मेरे को बुला के बेलारूस काम करा रहा है। तो ये चीज का बहुत टेंशन है क्योंकि के लिए बदनाम फिर। एक दो दिन काम करवा लिए बेलारूस गए तो, अरे मिथिलेश तो हमको मिस थोड़ी कर रहा था, उसको तो खाना खाना था। मामा ने फाइनली हम घर पे पहुंच चुके। अभी चाय बनाता पापा आपके लिए। कभी इंडिया में तो खाना बनाया नहीं था। नहीं नहीं कभी नहीं। अभी आप बना के बता रहे हो ना। अभी मेरे को सिखाओ और भी है? सिखाने के लिए आए हैं। तो गाइस खाने में मैंने बनाया है दाल राइस और मिक्स भाजी। थोड़ा राइस में से जल गया था तो रवि ने हेल्प किया है फिर से बनाने के लिए। और पापा आपके मन में यही क्वेश्चन था ना कि खाना का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हाँ फ्लाइट में भी ना, पापा ने अभी उज्बेकिस्तान से फ्लाई किया ना तो बोल रहे थे क्या खाने में दिए थे आपको। पाव ऐसा था ना। अच्छा लगा? नहीं तो ब्रेड का पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है कुछ तेल मसाला कुछ रहता नहीं है, सादा खाना रहता है। तो मैंने बोला था कि घर पे रहेंगे तो टेंशन नहीं क्योंकि दाल, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ना हर कंट्री में है और ना हर जगह ना ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी आपको। थोड़े प्राइसेस वगैरह ज्यादा रहते क्योंकि वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। तो मेरे को पहले तो खाना बनाने आता नहीं था। नहीं अभी बना रहे हैं ना। हाँ तो आज पापा से ना मैं टेस्ट कराऊंगा कि मतलब खाना कैसे बनाए। और लीजा गई है अभी। खाना तो देखने में अच्छा है, अभी खाने में देखेंगे। और लीजा गई अभी ग्रोसरी शॉप, वो आ जाएगी थोड़े टाइम में। और अभी भी खाना बनाते हैं, मस्त था खाने। और ये हमको लग नहीं रहा था कि ये बेलारूसियन स्वीट्स है। तो गाइस ये बेलारूसियन स्वीट्स है, देखने में ऐसा लगता है इंडियन स्वीट्स लड्डू। हमको लग रहा था कि ये लीजा भाभी एक यहाँ पे ओम नमो रेस्टोरेंट है वहाँ पे मिलता है ये सब स्वीट्स, तो हमको लगा वहाँ से लाए हैं। बट ये अभी बोले कि नहीं ये बेलारूसियन स्वीट्स है। दिखाता हूँ गाइस आपको ये वाला। तो गाइस हम फूड एंजॉय करते हैं। पापा खाइए बताइए कैसा लगा। कैसा लगा देखो खाना अच्छा है। सच बोलिए, सच बोलिए क्योंकि 30 दिन 20 दिन अगला दिन यही मिलने वाला है। अगर बोल दिया अच्छा है और अच्छा नहीं रहेगा फिर बाद में ना यही खाना पड़ेगा। रोज नहीं खाना अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है। कुछ इसमें और कुछ इम्प्रूव हो सकता है कि और अच्छा कैसे बनेगा? और अच्छा बनेगा तो और अच्छी बात है, बाकी अच्छा है, बाकी अच्छा है, बाकी अच्छा है, ठीक है। पापा भी बोले 20 दिन रहने का अच्छा ही बोलता हूँ। अभी मेरे को बहुत सारी भाजी नहीं आती, पापा से लर्न करूंगा बैगन निगन की भाजी वगैरह सीख रहा हूं। पापा बनवाएंगे? नहीं नहीं पापा से नहीं बनाऊंगा। मेरे को मालूम है आप, अभी मैं एक दिन भी किचन में जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी सिस्टर को फोन करके बोलेंगे मेरे को बुला के बेलारूस काम करा रहा है। तो ये चीज का बहुत टेंशन है क्योंकि मेरी बहनों के साथ पापा रहते मुंबई में, तो रहता ना कि मेरी बहन को बोलेंगे मेरे को बुलाया यहाँ पे काम कराया खाना है ना, तो इसके लिए आप किचन में जाओ ही मत एक भी दिन, नहीं तो मेरी सिस्टर वहां से बोलेगी। क्या बोलते रवि? जिंदगी भर के लिए बदनाम फिर। हाँ दो दिन काम करवा लिए बेलारूस गए, अरे मिथिलेश तो हमको मिस थोड़ी कर रहा था, उसको तो खाना खाना था। तो परिवार है, करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, करते हैं आपका हम लोग बेटा है ना। तो बेटा के सामने आप थोड़ी ना काम कीजिए। हाँ, है। तो है। आपकी बहू रोटी भी बनाती है पापा, टेंशन नहीं। तो लीजा रोटी भी मस्त बनाती है। Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you. Mera beta ghuma diya. Videsh Yadav. Belarus papa. Belarus ha, bhul gaya. क्या बोल रहे हैं? चलो भाई बेटा के वजह से हमने रसिया देख लिया। बेलारूस पापा? बेलारूस। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ तक आ गए, यहाँ कहाँ मिलता देखने को ऐसे। नहीं नहीं अभी और भी घूमोगे अभी पापा को अभी कल रवि भाई अभी
पापा को यूरोप भी लेके जाऊंगा। ये तो बस अभी टेलर है इनके लिए। अभी तो आपको यूरोप जाएंगे, बाद में पापा थाईलैंड भी जाएंगे। चलो पता नहीं क्या होगा। मैं बोला है सालू अपना बुला रहा है मित्र धुआं मेरे अटकाने के लिए। अटकाने के लिए हाँ बुला रहे। अरे इधर नहीं हो तो बीच में बोले पापा लटके रह जाओ आप। बोले यार जम जाएगा घर पर। बर्फ बहुत चल रहा है इधर, देखे ना बर्फ कितना है। नहीं नहीं चलेगा, बर्फ तो गिर रहा है यहाँ पे, आपको जमाऊंगा नहीं पापा, टेंशन मत लो। ये तो समझाते नहीं से बोल रहे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो गाइस आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो गाइस अगर आपने वीजा अप्लाई करते हो तो गाइस बहुत सारी कंट्री को ना रिजर्व फ्लाइट टिकट और रिजर्व होटल बुकिंग रिक्वायर्ड रहती है। तो गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो ना तो गाइस अपना कन्फर्म फ्लाइट टिकट या होटल बुकिंग मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया और आपने ऑलरेडी पे किया है होटल बुकिंग और फ्लाइट के लिए तो वो पैसे डूब सकते हैं। तो गाइस मैं आपको ना एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है flyinghelpline.com। तो गाइस ये ना रिजर्व फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर वीजा पर्पसेस। और गाइस ये ना दो फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करते हैं 499 रुपीस में और गाइस थ्री होटल बुकिंग 599 रुपीस में। अगर आप ना इनसे कॉम्बो लेते हो तो गाइस 1699 में ना आपको ना फ्लाइट और होटल बुकिंग दोनों मिल जाते हैं। और गाइस अगर आप यूरोप का वीजा अप्लाई करते हो तो गाइस आपको पता है कि यूरोप के वीजा के लिए आपको ना कवरिंग लेटर, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, डे टू डे इटिनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों की रिक्वायर्ड रहती है। flyinghelpline.com ना गाइस आपको ना यूरोप के लिए ना स्टार्ट टू एंड लाइक सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर वीजा पर्पसेस फ्रॉम अपॉइंटमेंट, डे टू डे इटिनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस। गाइस मैंने ना flyinghelpline.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, यू कैन गो थ्रू इट। कब से पापा ना नर्वस थे, कुछ बोल रहे नहीं थे और जैसे ही खाना खाए ना उसके बाद से पानी पीने के बाद एनर्जी आ गया है। हाँ कब से आए थे, कब से तो शांत है, अंदर डरे डरे मतलब रहता ना एकदम नया प्लेस, अभी एकदम फुल गए अच्छे से। दो चार दिन में सही हो जाएगी, फिर अश्विन भी बात करेंगे। अभी फाइनली पापा बेबी से मिलेंगे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पापा एक्साइटेड है? पोता से भी नहीं आ गए लेके आता हूँ लीजा। पापा ने ना ड्रेस लाया है देख रहे नहीं। अभी पोते पोता से मिलके बहुत खुश हुए। अरे पोता है आगे खिलाने के लिए यहाँ आ गए तुम मिलने के लिए, तुम्हारे से मिलने के लिए आए भाई। दादा इसके लिए देख रहा है। सर के नीचे पड़ रहा था। देख मेरे को देख रहा है, पापा आपको देख रहा है, सेम टू सेम देख रहा है, देख रहा है। यहाँ पे आ जाओ कैमरा लेके, थोड़ा फेस पे फोकस कर। नहीं कैसा देख रहा है? देख रहा है आपसे पापा, दोनों जन एक ही तरीके हैं ना। नहीं कब से ना मेरे को और लीजा लीजा सीधा पोस्ट मात्र ले जाती शिशांत ना फेफे, हम दोनों को ही देखते रहता था, अभी देख रहे नया है। यहाँ पे रहते आ जाओ एक फोटो लेते। दादा अपने खानदान में सबसे गोरा है। हाँ। पापा खिला रहे थे ना बेबी को तो उसका रिएक्शन है ना इमोशनल है। थोड़ा